दूषित खाना खा करके करीब 24 बच्चे हुए गंभीर, सभी को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती, जिनका इलाज जारी। खाने में छिपकली गिरने के बाद परोस दिया गया विषाक्त भोजन। बीते 6 माह से खराब है छात्रावास का ट्यूबवेल पंप, नगर पालिका के टैंकर का पानी पीते हैं हॉस्टल के बच्चे। मामला जिला मुख्यालय के वार्ड नंबर 3 लालपुर स्थित संचालित नेताजी सुभाष चंद्र बोस बालक छात्रावास में उस वक्त तफरा तफरी मच गई जब अचानक स्कूल बच्चे बेहोश होने लगे। घटना के बाद सभी बच्चों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। छात्रावास की वार्डन का कहना है कि खाने में छिपकली गिरी थी, जिस भोजन को परोस दिया गया वही यही बात डॉक्टर भी बता रहे हैं। हालांकि बीते 6 माह से छात्रावास का ट्यूबवेल खराब पड़ा है, जिसको बनवाने का आवेदन दिया गया मगर वो आज तक नहीं बन सका, जिसके कारण वो 6 माह से स्थायी रूप से खड़े नगर पालिका के टैंकर से ही खाना बनाया जाता है और उसी का पानी भी बच्चे पीते हैं, जिस कारण से बच्चे का बीमार पड़ा। मैं कक्षा 8वीं और क्या बोलते हैं नगर पालिका से टैंकर आता है, वही का खाना बनता है और उसी को नहाते हैं और क्या बोलते हैं पानी भी पीते हैं, और कभी कभी मैम को घर नहाने रोज जाते हैं। अच्छा, खाना क्या बना? आज सब्जी, दाल, चावल और रोटी। उसी को खा के बीमार हो? यस सर, यहाँ स्कूल है तो क्या बोलते हैं हमारे क्लास के नीलेश बैग पूरे लस्त हो गए थे, नहीं पता। उल्टी उल्टी गई? उल्टी नहीं आई सर, पेट दर्द पूरा भी मतलब लस्त हो गए सर। कितने लड़के बीमार हैं? ये नहीं पता है सर। कितने लोग आए हैं? यही पता नहीं, 20-22 लोग हैं। 20-22 लोग? Yes, सभी लोग बीमार हैं सर। मैं रुक छोड़ के मैं साथ में आया हूँ। तो सबको क्या हो रहा है? किसी के पेट दर्द कर रहा है, किसी के क्या बोलते हैं किसी का ये चक्कर आ रहा है। Yes, उल्टी नहीं पता। 10:30 स्कूल आए और लगभग 11:15 जब हमारी 11:30 क्लास छूटी तो हमने देखा कि एक आध बच्चे थोड़ा सा ऐसे सुस्त हो रहे हैं, जैसे नींद में जा रहे हों। हमने पूछा क्या हुआ तो बोले कि पता नहीं बेचैनी हो रही है। तो थोड़ा सा हम घबराए कि क्या दिक्कत है, तो हमने और क्लासों में जाकर पूछा बच्चों से कि किसी को परेशानी है क्या, कुछ बेचैन हो रहे हो, घबरा रहे हो, ऐसे तैसे बहुत सारे बच्चे आ गए। हमने तुरंत एम्बुलेंस को फ़ोन किया और बगल में एक 4-व्हीलर को अटेंड किया और सबको लेकर हम आ गए हॉस्पिटल। फिर यहाँ आए हैं तो किसी को सब पैनिक है, किसी में कोई लक्षण नहीं है किसी तरह का, ना उल्टी आई ना दस्त लगे किसी को, और किसी तरह का ना फीवर है, कोई और समस्या नहीं है। पानी की परेशानी आपके यहाँ नहीं? हाँ, छात्रावास में बोरवेल खराब हो चुका है, जिसकी सूचना कई बार दी जा चुकी है लिखित और मौखिक रूप से, तो उसके लिए टैंकर से पानी उपलब्ध होता है पर वो लोग भी शायद देने से इनकार करते हैं। क्या खाए थे आज? आज बच्चे दाल चावल रोटी सब्जी खाए थे सुबह। हाँ नहीं, दाल चावल खाए हैं और कुमड़े की सब्जी और रोटी खाए हैं। नहीं, कोई लक्षण ऐसे नहीं है उनको, ना किसी एक भी बच्चे को, ना स्कूल में उल्टी, पेट दर्द नहीं, वो बेचैनी बता रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि पेट में दर्द है। बहुत इतने बच्चे एक एक हॉस्पिटल लाए गए, क्या कारण हो सकता है? क्या अब क्या बता सकते हैं सर? प्रेयर में भी एक भी बच्चे को कुछ नहीं हुआ, प्रेयर के बाद भी नहीं हुआ। पहला पीरियड बढ़िया, बच्चे आराम से पढ़े हैं। पहले पीरियड के बाद एक आध दो बच्चे सुस्त लगने लगे, फिर जब बच्चों से मैं पूछने गई तो चूंकि मेरे से थोड़ा क्लोज है वो, तो मेरे सामने वो रोने भी लगे, घबरा गए। तो हमने कहा चलो हम तुमको हॉस्पिटल लेके चलते हैं, हम अच्छे से तुम्हारा इलाज कराएंगे, कोई दिक्कत होगी तो हम बताएंगे डॉक्टर साहब। सभी बच्चे एडमिट हैं आपके यहाँ जो जितने भी पीड़ित हैं? एक दो को दिक्कतें हो सकती, सभी को क्या दिक्कतें हैं? डॉक्टर से मैंने भी पूछा कि ऐसी क्या बात है कि सब बच्चे परेशान हैं, उन्होंने कहा कुछ नहीं है, सिर्फ पैनिक है। एक चीज़ बताइए मैम, कि आपके यहाँ पानी की समस्या कब से बनी हुई है? ये पानी की समस्या बनी पिछले साल दिसंबर जनवरी से, बोरवेल बंद है। तो जब से आप क्या कर रही हैं? तब से हमने लिखित रूप से हमने दिया, कई बार जिला शिक्षा केंद्र को दिया, मौखिक रूप से दिया, लगभग 10 दिन में हम फोन भी करते हैं। तो तब से क्या नगर पालिका का आता है पानी और उस पानी को हम उसमें रखते हैं कैन वगैरह में बच्चों को सुरक्षित पीने के लिए। उसी पानी से खाना भी बनता है? नहीं, पानी जो नगर पालिका से आता है शाम को कनेक्शन से, नगर पालिका कनेक्शन से वो बच्चे पानी पीते हैं, उसी से खाना बनता है। इस साल भर से नल आपके यहाँ बोरवेल खराब है, आज तक आपने कहीं? बिल्कुल, मैंने लिख कर दिया है सर, उसका प्रस्ताव बनाकर भी दिया है, उन्होंने कहा आप जगह सेलेक्ट करिए कहाँ पर बोरवेल कराना, हमने जगह भी सेलेक्ट की है, पर क्या कर सकते हैं सर, ये तो गवर्नमेंट की पॉलिसी है। जब ये माना जाए ना कि गवर्नमेंट पॉलिसी के साथ साथ आप भी तो उसमें, मैंने सर देखिए सर, हमारे पास ऐसा कोई फंड और बजट नहीं होता कि हम अपने मन मुताबिक काम कर सकें, हम वही करेंगे जो हमारे उच्चाधिकारियों का निर्देश हमें प्राप्त होगा। हमने बार बार प्रयास किया कि इस बारे में सर को बार बार सूचना दी, ठीक है, तो उन्होंने कहा हमसे कि अभी आपका प्रस्ताव पास हो रहा है, तब तक कनेक्शन बनवा दिया उन्होंने, एक और कनेक्शन दिया उसका नगर पालिका का, जिससे हमको पानी मिलता है तो दोनों टाइम खाना बनाने के लिए और बच्चों को पीने के लिए होता है। आपको भी मालूम है कि दूषित पानी से बच्चे बीमार होते हैं? नहीं, दूषित पानी बच्चे वाला पानी नहीं पीते हैं सर।
बच्चे जो बच्चे पानी पीते हैं नगर पालिका कनेक्शन से जो आता है उसमें हम केन में पानी सुरक्षित रखते हैं, उसी पानी को पिलाते हैं, उसी पानी से भोजन बनवाते हैं, और जो पानी आता है टैंकर से उस पानी से नहाते हैं, थाली धोने और बाहर जाने के काम आता है। आधे घंटे पहले हमारे जिला अस्पताल उमरिया के किजवल्टी में डॉक्टर द्वारा बताया गया कि तकरीबन 24 बच्चे आए हैं जो काफ़ी घबराहट, सांस में दिक्कत और पेट दर्द के लिए आए हैं। तो तुरंत हमारे स्टाफ द्वारा उनको परीक्षण किया गया और उनको तुरंत ही PIC में भर्ती कराया गया है, और सभी बच्चों को भर्ती कराने के पश्चात उपचार चालू है और सभी बच्चे अभी की अवस्था में स्टेबल हैं, स्वस्थ हैं और किसी को भी कोई ज़्यादा समस्या नहीं है। कारण क्या बताया? वार्डन से हमने चर्चा की तो वार्डन महोदया द्वारा ये बताया गया कि बच्चे को जो खाना दिया गया था, चावल दिया गया था, तो खाने के पूर्व उसमें चावल में शायद छत से छिपकली गिर गई थी और छिपकली गिरने के बाद वो शायद बाहर भी निकल गई थी, ऐसा उनके स्टाफ का कहना है, वार्डन महोदया का कहना है, और उसके बाद ये घटना घटी है। और इसके बाद सभी बच्चों को स्कूल में तकलीफ हुई और तकलीफ होने के बाद तुरंत वो जिला अस्पताल लेके आ गए।